प्रधानमंत्री जी की तस्वीर तक लगाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गवारा नहीं है। केंद्र सरकार का नाम तक इन्होंने लिखना जरूरी नहीं समझा। क्या इस तरीके से ये हड़पना चाह रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। जमुई में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का शिलान्यास किया गया है। जमुई के सांसद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इस मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे, शिलान्यास में भी शिरकत किया उन्होंने। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जो देरी हुई जमुई में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की, उसका ठीकड़ा उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ा। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनने में, निर्माण कार्य में, उसके शिलान्यास में अगर देरी हुई है तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उदासीनता पूर्ण रवैया है और इसी वजह से उनके संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण नहीं हो पाया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। उन्होंने ये भी कहा है कि अब जब जमुई में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निर्माण हो रहा है तो जिले के लोगों के लिए ये बहुत ही एक बड़ी राहत की खबर है और बहुत ही खुशी की बात है कि लोगों को अब इलाज के लिए कहीं दूर ना जाना पड़ेगा। जिले के भीतर ही एक बड़ा अस्पताल तैयार होगा, वहीं पर लोगों का इलाज होगा। चिराग पासवान ने हालांकि इस देरी का ठीकड़ा उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फोड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमुई से सांसद, सुनिए। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर तक लगाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गवारा नहीं है। आप देख लीजिए पूरा पंडाल जिस तरीके से सजा हुआ है। सिर्फ बिहार सरकार केंद्र सरकार का नाम तक इन्होंने लिखना जरूरी नहीं समझा। भैया इस तरीके से ये हड़पना चाह रहे हैं, इस तरीके से ये इसको पूरे का पूरा उसको परियोजना को दिखाना चाह रहे हैं कि भैया ये बिहार सरकार की परियोजना है। हकीकत जनता को जानना जरूरी है कि ये योजना केंद्र सरकार की योजना है, अधिकांश राशि इसमें केंद्र सरकार की इसमें लगी हुई है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वीकृत ये परियोजना है, उसमें ना आप केंद्र से किसी प्रतिनिधि को बुलाते हैं, सिर्फ इसमें बिहार सरकार मुख्यमंत्री मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे उनके मंत्री मौजूद है, केंद्र सरकार का कोई मंत्री कोई अधिकारी नहीं। और दुख की बात तो ये है कि कल जब मैंने स्वास्थ्य मंत्रालय में जब मैंने बात की, वहाँ पे मंत्री जी के यहाँ जब मैंने बात की तो उनको इस उद्घाटन की, शिलान्यास की उनको जानकारी तक नहीं है। इन्होंने केंद्र को बताना तक जरूरी नहीं समझा कि यहाँ पे इतने बड़े मेडिकल कॉलेज का हम लोग यहाँ पर शिलान्यास हम लोग करना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने, भैया जमुई वासियों के साथ आप इस तरीके से आप कर रहे हैं, जमुई के जिले के लिए ये सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है इतिहास में। इससे बड़ी कौन सी बड़ी, इससे बड़ी हम लोग परियोजना लेकर आए हैं और ऐसे में आप यहाँ पर आप आना तक जरूरी नहीं समझते। ये जमुई जिला के साथ जिस तरीके का भेदभाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आकर इसका शिलान्यास यहाँ पर करना चाहिए था, आना जरूरी नहीं समझते आप। हमारे प्रधानमंत्री जी को जो उनका उचित श्रेय है वो देना आप जरूरी नहीं समझते। वही कहावत है ना, कहते हैं ना कि मार महाराज का मिर्जा खेले होली, ये वो काम कर रहे हैं। केंद्र की परियोजना, बिहार सरकार के बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, इनके मंत्रियों की तस्वीर लगी हुई है, मुख्यमंत्री जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है, एक प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं इसमें। केंद्र सरकार का एक बार इन्होंने जिक्र करना इन्होंने जरूरी नहीं समझा। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया ये श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं, इनको बिहार के विकास से कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ श्रेय लेना है कि हमने क्या। पर जो इन्होंने प्रधानमंत्री जी केंद्र सरकार के साथ जो इन्होंने गलत किया है ये पूरी जमुई की जनता भी देख रही है। पर मुझे खुशी है कि आज भैया जिसका उद्घाटन होना चाहिए था, राज्य सरकार की नाकामी है, तीन तीन बार टेंडर हुआ है, दो दो बार टेंडर की प्रक्रिया रद्द की गई है, उसके बाद जाकर तीसरी बार ये टेंडर हुआ है। आज जिस योजना का उद्घाटन होना चाहिए था उसका भी शिलान्यास ही हो रहा है, ये अपने में दर्शाता है कि राज्य सरकार कितनी कामयाब है, इनकी नाकामी है। भैया कोरोना में इसी अस्पताल का लाभ जमुई वासियों को मिलता है, पर क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने टेंडर की प्रक्रिया तक नहीं, एग्जीक्यूटिंग बॉडी तो भैया बिहार सरकार है ना, केंद्र सरकार की योजना है बट एग्जीक्यूट तो बिहार सरकार को करना है, ये अभी तक इसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आज जाकर दो साल के बाद ये लोग शिलान्यास यहाँ पर कर रहे हैं, ये इनकी लापरवाही की हद को दिखा लाने के लिए हर कोई अपना होड़ बता रहा है कि हमने लाया। भाई ये सिर्फ केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। केंद्र सरकार उस वक्त के माननीय मंत्री, ये पिछली सरकार में जाकर हम लोगों ने, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी,
जो उस वक्त केंद्र में स्वास्थ्य के मंत्री थे, उस वक्त मुझे पता है कि उनसे बातचीत कर और उसके बाद हर्षवर्धन जी आए और अब जो मौजूदा मंत्री हैं केंद्र सरकार में मनसुख मांडविया जी, उनसे मिलकर उनके प्रयासों से और प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास से ये सफल हुआ। और जो लोग इस बात की होड़ लगाना चाहते हैं कि मैं लाया तमाम पत्रोचार पूरे तमाम तरीके के कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास हैं भैया, कि कब मैंने पहला पत्र मैंने उनको लिखा, वहाँ से क्या जवाब आया उन्होंने कि कब ये योजना शुरू होगी, ये तमाम मेरे पत्र और उनके जवाब मेरे पास मौजूद हैं। बहरहाल मुझे श्रेय लेने का ना शौक है ना मैं इस होड़ में हूँ। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज आया जो इस क्षेत्र की लंबे समय से जरूरत थी, मांग थी, इस मांग को हम लोग पूरा कर पाए, ये अपने में एक बड़ी उपलब्धि। आप मुझे श्रेय मत दीजिए भैया, मुझे नहीं चाहिए, पर जल्द से जल्द कम से कम इस कॉलेज को आप चालू करवा दीजिए। शिलान्यास में 2 साल लग गए, भगवान जाने इसके उद्घाटन में आपको कितने साल लगेंगे। अगर यही मुख्यमंत्री रहे और इसी गति से काम चला तो भगवान के भरोसे है जमुई का मेडिकल कॉलेज। आप जम्मू के सांसद हैं सर, उसमें आपकी तरफ से किस तरह की पहल होगी और क्या करना चाहिए? भाई अगर आपको ये जानकारी होगी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया SI द्वारा हम ही लोगों ने इस बात की हम लोगों ने मांग उठाई थी, यहाँ पर सोनू और सिकंदरा में 2 जगह हम लोगों ने मांग उठाई थी कि यहाँ पर स्थानीय निवासी इस बात की जानकारी देते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर सोनू की और सिकंदरा में विभिन्न और पदार्थों की वहाँ पे खान है। मुझे खुशी है कि SI की अब रिपोर्ट सामने आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द एक बार इसकी सर्टिफाइड कॉपी भी मैंने अपने पास मंगवाई है, एक बार वो आता है तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि औपचारिक तौर पर जो खनन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्षेत्र में भी विकास के नए मापदंड, नए पहलू, नए आयाम शुरू हो, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा की जाए। केंद्र सरकार की लगी हुई है और आपने एक तस्वीर प्रधानमंत्री जी की लगाना जरूरी नहीं समझा, केंद्रीय मंत्रियों को आपने बुलाना जरूरी नहीं समझा, कोई केंद्रीय उसका कोई प्रतिनिधित्व करने वाला यहाँ पर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं आप हाईलाइट करने का प्रयास करें। जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाई इतनी बड़ी परियोजना का उद्घाटन कर रहे हैं, आइए मुजफ्फरपुर में जैसी घटना घटी, स्वास्थ्य विभाग का आप तारीफ करते नहीं घट रहे, जिन लोगों की आंखों की रोशनी गई है उनसे जाकर पूछे कि भैया स्वास्थ्य विभाग इतना बढ़िया काम कर रहा नहीं कर रहा, समूह जिले में देख लीजिए स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल है, यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर डॉक्टर्स की हालत देख लीजिए, वहाँ पर मेडिकल इक्विपमेंट्स की हालत देख लीजिए, हर बार दिशा की बैठक में हम लोग इस बात को उठाते हैं, पर यहाँ पर जिला प्रशासन पूरी तरीके से उतार रहा है इसको लेकर और राज्य सरकार एयर कंडीशन कमरे में बैठकर वहीं से ही परियोजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं, लग रहा है कि भैया बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए एक बार और जिले में आकर देखें कि भैया स्वास्थ्य विभाग की क्या परिस्थिति प्रधानमंत्री का नाम समाचार में आए हुए सभी